एक तरफ जहां सरकार गंगा नदी में इको टूरिज्म को बढ़ावा दे रही है, वहीं दूसरी ओर इकोसिस्टम का ख्याल रखना उतना ही जरूरी है। भागलपुर गंगा विलास क्रूज अभी बिहार से बहने वाली गंगा के रिवर बेड पर है। स्विट्जरलैंड और जमीन के 32 पर्यटकों को लेकर मैदानी इलाके के सर्पकार बहाव वाले इलाके की विरासत का दीदार करते हुए गंगा नदी में मचलने वाली डॉल्फिन का नमस्कार भी स्वागत कर रहे हैं। भारत सरकार इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाह रही है, लेकिन यहाँ थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। डॉल्फिन हमारी राष्ट्रीय जलीय जीव है, साथ ही अति संवेदनशील जीव है। मतलब अगर सरकार गंगा नदी को इको टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहती है तो गंगा नदी के इकोसिस्टम का ख्याल रखना जरूरी है। देखिए, ऐसा है कि विकास और विनाश दोनों चीजें एक साथ चलती हैं। विकास भी कई जगह पे अपनी जगह सही है और उसके चलते कितना विनाश होता है और किस हद तक हम उसको कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं उससे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है और ये एक बहुत बड़े विषय का मामला है। जहाँ तक गंगा विलास क्रूज का सवाल है तो मुझे लगता है कि ये इक्का दुक्का क्रूज चलने से बहुत ज़्यादा फ़र्क गंगा नदी के जीवों पर बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। हालांकि जो इसमें मेजर्स लिए ही जा रहे होंगे कि इसमें वाइब्रेशन कम हो, इसमें मतलब तेल का रिसाव नहीं हो, लोग टूरिस्ट लोग गंगा में कचरा उचरा डिस्पोज ना करें, ये सारे अगर प्रिकॉशंस के साथ क्रूज चलता है और इक्का दुक्का अगर चलता है तो ये हमारी गंगा की जो जैव विविधता है उसको दुनिया को दिखाने के लिए एक अच्छा माध्यम है। रिवर क्रूजिंग जो है उसको हम लोग इको टूरिज्म से जोड़ के देखते हैं और हम लोग इको टूरिज्म को प्रमोट भी करते हैं ताकि लोगों में उसके प्रति एक दिलचस्पी हो, प्रेम भाव पैदा हो और लोग उस गंगा की बायोडाइवर्सिटी के बारे में पूरी दुनिया में एक मैसेज जाए कि गंगा हमारी कितनी समृद्ध है और इसको इसी वजह से इसको संरक्षित करने की भी कितनी ज़्यादा आवश्यकता है। छोटा सा जो हम लोग का बोट है, जब हम लोग ले करके निकलते हैं गंगा के बीच से, तो हम लोग देखते हैं कि गंगा के दोनों तरफ के किनारे का जल जो है वो वाइब्रेशन से वो हिलता है और डॉल्फिन को हम लोग डर के भाग, जब भी मेरा वीडियो आप कोई भी देखिएगा तो नाव गुजर रहा है तो नाव गुजरने के बाद डॉल्फिन, हम हमेशा वीडियो में बोलते भी हैं कि नाव गुजरने के बाद डॉल्फिन कूदेगी, आप लोग ध्यान रखिएगा। इसका कारण क्या है कि वो डॉल्फिन दूर से भाग रही होती है, नीचे नीचे भाग रही होती है और जब वो क्या बोलते हैं बहुत आगे तक नाव गुजर जाती है तब वो सांस लेने के लिए, जैसे कैसे हम काफ़ी देर अगर 25-30 सेकंड हम सांस रोक के रहे तो वो फिर देखिएगा कि बहुत ज़ोर से जंप करेगी, उस समय गौछाल बहुत ज़्यादा होता है। ये छोटे नाव के साथ है, इसका वाइब्रेशन तो बहुत दूर से हमको लगता है कि 500 मीटर दूर से उसको सुनाई पड़ेगा, ये हमारी डॉल्फिन को आँख नहीं होती है।